News 18, India. और बिहार में बनी एनडीए की सरकार को अब 24 घंटे बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से गुजरना है, यानी सोमवार को नीतीश कुमार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना होगा। लेकिन उस फ्लोर टेस्ट से पहले ही बिहार में एक बार फिर से सियासी समीकरण नए बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल अब और तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने विधायकों पर अब नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले खबर यह है कि जेडीयू ने शनिवार को अपने विधायकों को मंत्री श्रवण कुमार के यहां लंच पर बुलाया था, लेकिन जेडीयू के 5 विधायक उस लंच में नहीं पहुंचे और 5 विधायकों के लंच में ना पहुंचने से नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। और ऐसे में जेडीयू के 6 विधायकों की हर हरकत पर उनकी पार्टी की नजर बनी हुई है। ये 6 जेडीयू विधायक जिन पर नजर बनी हुई है, डॉक्टर संजीव कुमार, इसके अलावा शालिनी मिश्रा, सुदर्शन कुमार, गुंजेश्वर शाह, दिलीप राय और बीमा भारती, ये सभी विधायक कल जेडीयू के कोटे की कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार के घर पर आयोजित भोज में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन क्या ये 6 गैर हाजिर विधायक आज शाम 5 बजे जेडीयू विधायकों की बैठक में शामिल होते हैं या नहीं, इस पर भी सभी की निगाह है और जेडीयू उन्हें एकजुट रखना चाहती है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या ये जो नाराजगी सत्ता पक्ष और विपक्ष में आ रही है, सत्ता में उनकी जगह पुख्ता हो, क्या यही लालसा, चाहे आरजेडी के जो नाराज चल रहे हैं उनकी बात, या फिर जेडीयू से कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है उनकी बात, क्या वो अपनी जगह कुछ और मजबूती से चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए नाराजगी की भी वजह यही है, जो जेडीयू के नाराज विधायक हैं वो ये चाहते हैं कि जब वोटिंग का वक्त आता है तो उनको पूछा जाता है, लेकिन जब काम खत्म हो जाता है तो कोई उनको पूछने वाला नहीं मिलता है। और यही वजह है कि ये वक्त जो है वो काफ़ी अहम है और वो अपनी पहचान भी दिखाना चाहते हैं और अपना दम भी दिखाना चाहते हैं कि अगर हमको इग्नोर करके चलिएगा तो शायद सरकार में बने रहना आसान नहीं होगा। 10 विधायकों की नाराजगी की बात सामने आई थी, लेकिन जब कल श्रवण कुमार के यहाँ भोज था उसमें मनाते मनाते 5 तक वो पहुँच गया और वो संख्या 5 और 6 के बीच में, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 5 विधायक की नाराजगी अभी भी बनी हुई है, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 6 विधायक अभी भी नाराज हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नाराजगी दोनों तरफ है। और तेजस्वी यादव जो अपने तमाम विधायकों को अभी बंधक बनाकर रखे हुए हैं अपने आवास में, एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सुनील सिंह है जो जेडीयू के MLC हैं, माफ करिएगा आरजेडी के MLC हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, शायद हो सकता है कि वो मीडिया से बात करें और उनसे ये हम पूछने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि तमाम विधायकों को, सुनील जी क्या वजह है कि सबको आप लोगों ने बंधक बना रखा है? सुनील जी, तो ये सुनील सिंह है जो मुखर रहते हैं हमेशा, लेकिन अभी बात करने से कतरा रहे हैं। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अंदर से मनाही है कि किसी से कोई बात नहीं करना है। अब से थोड़ी देर पहले शक्ति यादव भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने भी बात करने से मना कर दिया। तो ऐसे में दोनों तरफ कसम कस जो है वो NDA के तरफ भी है और महागठबंधन के तरफ भी है। लेकिन तेजस्वी यादव के पार्टी की तरफ से यह खबर आई थी कल कि 12 विधायक जो नॉट रिचेबल हैं उनको मनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जब वो विधायक यहाँ पर पहुंचे तो उनको बाहर जाने की अनुमति ही नहीं दी गई। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो बिहार की तमाम, चाहे वो महागठबंधन की बात करें या फिर NDA की बात करें, सभी बिल्कुल और चंद्रमोहन एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है तमाम पार्टियों की ओर से। और जो थोड़ी बहुत नाराजगी है, डर इसी बात का तो है कि कहीं ये नाराजगी हार की वजह न बन जाए। लेकिन एक और बड़ी अपडेट इसी मामले में बताएंगे, जेडीयू हो या फिर आरजेडी, फिर बीजेपी, तीनों ही पार्टियां 12 फरवरी के लिए अपनी स्ट्रेटेजी, रणनीति तैयार कर रही हैं। नीतीश कुमार ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है, तो आरजेडी ने भी विधायकों के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। आरजेडी की पूरी कोशिश रहेगी कि NDA को विश्वास मत से दूर रखा जाए और इसी को लेकर ये जद्दोजहद हो रही है। इसी को लेकर विधायकों को नजरबंद कर दिया गया है, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है तेजस्वी यादव के आवास पर। वहीं नीतीश कुमार एक बैठक लेने वाले हैं और ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम पार्टियां इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं